नमस्कार भाई साहब, जय माता की। आप कहाँ से आए हैं? आपको पता है यहाँ पे प्रसाद चढ़ाना मना है? नहीं सर। आपको क्या इसके बारे में कुछ पता नहीं है क्या? तो आप इतनी दूर से आए हैं, प्रसाद लेकर आए हैं, तो आप ये प्रसाद यहाँ रख कर जाएंगे आप? ठीक ठीक है जी। आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं और प्रशासन में तो समझ है, अभी बना हुआ है कि अंदर प्रसाद लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना है। दुकानदार ने तो बताया है चढ़ेगा, हमने बोला अंदर जाने देते कि नहीं। अच्छा, दुकानदार बोल रहे हैं कि प्रसाद चढ़ेगा। हाँ ठीक है, सामने वाला दुकानदार है। ठीक है, शुक्रिया जी। आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं को ये भी नहीं पता है कि यहाँ पर प्रसाद चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना है, उसके बावजूद भी प्रसाद यहाँ पर आ रहा है और प्रसाद का कितना निरादर हो रहा है। शाम के समय यहाँ पर प्रसाद का ढेर लग जाता है। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार है, मैं दलित समाचार से हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज महामाई का तीसरा नवरात्र है और मुझे यहाँ रिपोर्टिंग करते हुए तीसरा दिन है, लेकिन मैंने एक बात यहाँ पर नोट की थी कि कोविड-19 के चलते हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी करी थी कि कोई भी किसी भी तरह का प्रसाद कुछ भी यहाँ पर नहीं चढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर प्रसाद लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण सुरक्षा कर्मियों को ये प्रसाद यहाँ पर ही रखवाना पड़ता है। अंदर जाने के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं है, इसलिए मैं सभी श्रद्धालुओं से विनती करता हूँ कि वो प्रसाद जरूर खरीदें, लेकिन माथा टेकने के बाद, ताकि यहाँ पर प्रसाद का ढेर ना लगे। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर प्रसाद छोड़ जाते हैं और कुछ यहीं पर यहाँ से ले जाते हैं, जिसके कारण रात को यहाँ पर प्रसाद का ढेर लग जाता है और प्रसाद का निरादर होता है। मैं सभी श्रद्धालुओं से और प्रशासन से विनती करूँगा कि जो भी श्रद्धालु आता है वो प्रसाद बाद में खरीदे, पहले माथा टेके। जय माता की, जय माता की।